पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर राजधानी जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी कड़ी में अल्बर्ट हॉल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी सहित कई मंत्री और कांग्रेसी नेताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मंत्रियों की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को नहीं भुला सकता और आजादी से पहले और बाद में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश को ऐसी मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था देने में सबसे अहम योगदान रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की सत्ता जब प्रधानमंत्री बनकर संभाली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त देश की स्थिति कैसी थी ये सबको मालूम है। सुई भी विदेश से बन के आती थी, कच्चा माल यहाँ से जाता था, तैयार होकर बाहर से आता था, बड़ा शोषण होता था देश का। ऐसी परिस्थितियों में देश को पंचवर्षीय योजनाएं देना, जॉइंट जो सेक्टर है उसको करना, पब्लिक सेक्टर को बनाना, इतना पैसा नहीं था देश के लोगों के पास में तो बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियाँ लगा सकें, तो सरकार के साथ मिलकर पब्लिक अंडरटेकिंग बना के जॉइंट वेंचर फैक्ट्री, एक नया जो तरीका उन्होंने दिया, आज पूरा देश उस तरीके से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में।